इस वीडियो में आपके तीन स्मार्टफोन से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं, बिकॉज Amazon पे ग्रेट इंडियन सेल और Flipkart पे बिग बिलियन डे सेल करंटली चली हुई है और बहुत सारे स्मार्टफोन्स पे हमें काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Realme 11X स्मार्टफोन को Redmi 12 5G के साथ और साथ ही Vivo के T2X स्मार्टफोन के साथ। तीनों ही स्मार्टफोन्स अंडर 12,000 काफ़ी फैंटेस्टिक डील्स लेकर आ रहे हैं और तीनों ही स्मार्टफोन्स अपने अपने प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अगर हमें इनमें से कोई सा भी परचेज करना है। अब स्टार्टिंग में ही बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग सेक्शन की। तो Realme का 11X और Vivo का T2X दोनों ही स्मार्टफोन 13,000 रुपए में Flipkart पे अवेलेबल है और ये इनका वेरिएंट है बेस वेरिएंट जो कि 6+128GB के साथ आता है। Redmi 12 5G अपना बेस वेरिएंट 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ लेकर आता है, लेकिन जो उसका प्राइस है वो है 12,000 रुपए। तो Redmi का 12 5G 1,000 सस्ता है। तो यहां पर चीज आपको ये ध्यान रखनी होगी कि अगर 1,000 रुपए आप एक्स्ट्रा देते हो तो 4GB की जगह आपको 6GB रैम आपके स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। और इन तीनों स्मार्टफोन के जो सबसे बेस्ट ऑफर होंगे वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। तो इस सेक्शन में दोस्तों मुझे Redmi का 12 5G एक बेटर चॉइस लगा है। मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले ये जो स्मार्टफोन है हमें IP53 रेटिंग के साथ देखने को मिल जाता है और ये जो रेटिंग है वो बाकी के दोनों स्मार्टफोन्स में नहीं मिलती है। ये एक ऐसी रेटिंग है जिस स्मार्टफोन को मिलती है वो थोड़ा बहुत स्प्लैश प्रूफ बन जाता है और डस्ट प्रूफ भी ये स्मार्टफोन है। तो हल्के फुल्के पानी के छींटे पड़ जाते हैं, बारिश में आप बाहर लेके जाते हो, थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हो, पानी चला जाता है, तो आपके स्मार्टफोन को कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो डस्ट वगैरह है वो भी आपके स्मार्टफोन के अंदर नहीं घुसेगी, तो उससे जो पार्ट्स होंगे उनके खराब होने के चांसेस नहीं मिलते हैं। इसके बाद जो दूसरा रीज़न मुझे लगा, जो कलर वेरियंट हमें Redmi के 12 5G के साथ देखने को मिल जाते हैं वो मुझे पर्सनली देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे हैं और जिस हिसाब से इसका कैमरा का कटआउट है तो वो इसके जो लुक है उसको एनहांस करता है। इसके बाद एक जो स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन रीजन है इस स्मार्टफोन के डिजाइन को बेटर बोलने का वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलना विद ग्लास बैक में। तो यहाँ पर गाइस डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं कि Redmi का 12 5G ग्लास बैक के साथ आता है जो कि इवन ज़्यादा प्रीमियम लगता है बाकी दोनों स्मार्टफोन के प्लास्टिक बैक से, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये आपके स्मार्टफोन के बैक पैनल की सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा बेटर बना देता है। अब दोस्तों Vivo और Xiaomi दोनों ही स्मार्टफोन में एक चीज़ मुझे ये बेकार लगी है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स में डेडिकेटेड सिम कार्ड का स्लॉट नहीं आता, यानी कि एक टाइम पर आप एक सिम या एक मेमोरी कार्ड ही लगा पाओगे या एक टाइम पर सिर्फ दो सिम्स ही लगा पाओगे। लेकिन Realme का 11X यहां पर आगे निकल जाता है बिकॉज वहां पर आपको डेडिकेटेड सिम कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो वहां पर आप दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एक टाइम पे डेफिनेटली लगा पाएंगे। तो ओवरऑल जितना भी मैंने तीनों स्मार्टफोन को एक्सपीरियंस किया हुआ है Redmi का 12 5G फार बेटर है अगर हम बाकी के दोनों स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो 6.79 इंच का डिस्प्ले Redmi के 12 5G में लगाया गया जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इस डिस्प्ले में 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। Vivo के T2X में 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है और Realme के 11X में 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि इन दोनों में तीनों स्मार्टफोन्स में सबसे बड़ा है और ये 120 हर्ट्ज का पैनल अपने साथ लेकर आता है जिसमें 180 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट का जो सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब गाइस ठीक है Realme का 11X और Redmi का 12 5G दोनों ही अच्छे रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, लेकिन Vivo का T2X यहां पर डाउन हो जाता है बिकॉज ये सिर्फ 60 हर्ट्ज के पैनल के साथ ही आता है। तो यहां पर अगर आप पहले कोई ऐसा स्मार्टफोन यूज कर रहे हो जो कि 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज के साथ है तो आप मेरी मानिए ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है। इसका रीजन ये नहीं है कि इसका जो प्रोसेसर है वो स्लो होगा या स्मार्टफोन लैग करेगा, लेकिन जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो मैटर करता है और जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट हो फोन चलाने में ही उतना ज्यादा स्मूथ लगता है। तो डेफिनेटली Realme 11X 120 हर्ट्ज का पैनल अपने साथ इस प्राइस रेंज पे लेकर आ रहा है जो कि अच्छी बात है और जो ब्राइटनेस है वो भी आपको Realme के 11X में थोड़ी सी बेटर ही देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में Realme का 11X यहां पर क्लियर विनर है बिकॉज 120 हर्ट्ज का पैनल ये अपने साथ यहां पर लेकर आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इन तीनों ही स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस की। तो ये पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज Realme का 11X Dimensity 6100 प्लस चिपसेट लेकर आता है, Vivo के T2X में Dimensity 6020 चिपसेट देखने को मिलता है और Redmi का 12 5G इकलौता स्मार्टफोन है जो कि Snapdragon
4th Generation 2 चिपसेट के साथ आता है। अब अच्छी बात यह है कि तीनों ही स्मार्टफोन्स में UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब बेंचमार्क के बारे में बात कर लेते हैं गाइस, और Realme 11X का बेंचमार्क यहाँ पर सबसे ज़्यादा आया हुआ है। ये डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है CPU और GPU की परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जो Realme का 11X है उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस और जो नॉर्मल ऐप्स को ओपन और क्लोज करने की परफॉर्मेंस होगी, जितना भी आप नॉर्मल डे टू डे में यूज़ करते हो या GPU के लिए आप गेमिंग भी परफॉर्म करते हो, Realme का 11X आपको एक बेटर डील मिलने वाला है, बिकॉज जो इसके स्कोर्स हैं वो ज़्यादा आए हुए हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो पबजी का एक्सपीरियंस है स्मार्टफोन के साथ आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, और जितना भी आप इसको प्रैक्टिकली नॉर्मल जनरल लाइफ में भी यूज़ करते हो जो Realme का 11X है वो आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो Vivo का T2X है और Redmi 12 5G है वो भी काफ़ी अच्छे चिपसेट के साथ आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे बेस्ट की, तो Realme का 11X आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस लाकर ही देगा, और गेमिंग के लिए आप Realme 11X पे डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके एक्सपीरियंस की, तो Redmi 12 5G लेकर आता है Android 13 विद MIUI 14, Vivo का T2X लेकर आता है फन टच OS 13 विद Android 13, और फाइनली Realme 11X लेकर आता है Realme UI 4 वर्जन विद Android 13। अब तीनों ही स्मार्टफोन की अच्छी बात यह है कि 2 साल के Android OS अपग्रेड्स को सपोर्ट करते हैं, तो Android 15 तक जो अपडेट्स हैं वो आपको इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस, पर्सनली मुझे तीनों ही जो UI हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, बिकॉज जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ढेर सारे मिल जाते हैं, ऐप लॉक आपको मिल जाएगा, ऐप्स को हाइड करने के ऑप्शंस हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तीनों ही UIs में हमें देखने को मिल जाती है। अब तीनों ही जो स्मार्टफोन हैं आपको उनके साथ जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं वो डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगी, जिनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, और कई कई बार जो उनकी फालतू की नोटिफिकेशन है वो भी हमें देखने को मिल जाती हैं। अब जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने जितना भी यूज़ किया है फन टच OS जो Vivo का UI है, मुझे थोड़ा सा बेटर फील होता है, बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन एक्सपीरियंस ये देता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है अगर बाकी UI से कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर आप Realme और Redmi के UI से कंपेयर करते हो तो Vivo का UI है वो मुझे पर्सनली देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और चलाने में स्मूथ भी है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बिकॉज बाकी के दोनों स्मार्टफोन्स में हाई रिफ्रेश रेट हैं, तो उसके साथ जो परफॉर्मेंस है वो आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, और जो आपको पसंद आता है इसमें आप पिक कर सकते हो, बिकॉज जो तीनों ही स्क्रीन्स हैं वो हैवी रहती हैं और अपने अपने कस्टमाइजेशन के साथ आती हैं, तो जो आपको पसंद आता है वो डेफिनेटली आप यहाँ पर पिक कर सकते हैं। थोड़ा सा पावर के बारे में बात कर लेते हैं, तो 5000mAh की बैटरी तीनों ही स्मार्टफोन में दी गई है, लेकिन Redmi 12 5G और Vivo के T2X 5G में 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि जो Redmi का 12 5G है उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज बॉक्स में वो 22.5W की चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। Realme का 11X स्मार्टफोन दोस्तों एक इकलौता स्मार्टफोन बच जाता है जो कि 5000mAh की बैटरी के साथ 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट लेकर आ रहा है, तो डेफिनेटली Realme 11X आपको यहाँ पर परचेज करना चाहिए, बिकॉज जो बैटरी बैकअप है वो आपको तीनों में तो अच्छा मिलने ही वाला है, लेकिन उसके साथ जो चार्जिंग की स्पीड है वो लगभग डबल के आसपास Realme 11X में मिल जाती है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और Realme का 11X जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। और अब लास्ट में बात करते हैं फाइनली इन तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सेक्शन की, और जो तीनों के कैमरा सैंपल्स हैं वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पर आप चेक कीजिए गाइस कि मुझे लगता है कि Redmi 12 5G और जो Realme का 11X 5G है वो काफ़ी बेटर इमेजेस को यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं। जिस हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ तो जो Realme का 11X है वो बेटर डायनेमिक रेंज यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा स्काई की तरफ शॉट्स को लेते हैं तो वहाँ पर बेटर जो डायनेमिक रेंज है वो हमें Realme के 11X में मेंटेन होती हुई देखने को मिल जाती है। हालांकि जो Redmi का 12 5G है वो भी अच्छी इमेजेस को कैप्चर कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से Realme 11X की जो इमेजेस देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है उस हिसाब से Redmi का 12 5G उतनी बेटर इमेजेस को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। इसके बाद Vivo T2X की एक कमी मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस स्मार्टफोन का कैमरा ये ट्राई करता है कि आपके चेहरे को कैसे कितना ज़्यादा गोरा किया जाए, बिकॉज अगर ज़्यादा लाइट में आप इसके सामने पिक्चर्स को कैप्चर करते हो तो ये आपके होंठों को पिंक कर देगा और जो आपकी स्किन है उसको और ज़्यादा गोरा करने की कोशिश करेगा, तो ये इसमें मुझे एक थोड़ी सी डाउनग्रेड वाली बात लगी। कुछ लोगों को ऐसी इमेजेस पसंद भी आ जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की इमेजेस आएंगी, बिकॉज जब हमारे होंठ जो हैं वो पिंक हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, जो स्किन है बहुत ज़्यादा वाइट हो जाए तो वो देखने में अननेचुरल लगती है। तभी मैंने Vivo के T2X 5G को यहाँ पर साइड में रखा हुआ है, और मुझे लगता है कि कैमरा के मामले में Realme का 11X आपको यहाँ पर पिक करना चाहिए, बिकॉज थोड़ी सी बेटर
प्रोसेसिंग हमें यहाँ पर होती हुई देखने को मिल जाती है। नाइट में भी डिटेल थोड़ी सी बेटर है और जो डायनेमिक रेंज है ओवरऑल उसको मेंटेन करने में रियलमी का 11X यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकल जाता है। और अब फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की, तो दोस्तों एज एक्सपेक्टेड मैंने विनर रियलमी के 11X को यहाँ पर पिक किया है और मुझे लगता है कि अगर आप 11-12 हज़ार रुपये अपने दे रहे हो तो रियलमी का 11X आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बिकॉज अच्छी परफॉर्मेंस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी, बेटर चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाएंगी और जो डिस्प्ले है वो भी स्मार्टफोन में काफी ज्यादा स्मूथ है अगर हम दोनों ही स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं। सेकंड नंबर पे Redmi का 12 5G यहां पर देखने को मिलने वाला है, जहां पर डिस्प्ले ठीक-ठीक सी ही देखने को मिल जाती है, लेकिन जो डिजाइन है ओवरऑल कलर है स्मार्टफोन के वो काफी अच्छे हैं और बैक में ग्लास बैक आती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी आती है। और आपको एक Redmi का स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप Redmi 12 5G की तरफ जा सकते हैं। और Vivo के T2X 5G को लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज डिस्प्ले नॉर्मल 60Hz के साथ ही आती है, ना उतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, ना उतना ज़्यादा बेटर कैमरा हमें स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो आप मेरी माने और ऑनेस्टली आप Realme का 11X अभी के टाइम में पिक कर सकते हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लगता है। और ट्राई कीजिएगा कि इन सभी स्मार्टफोन्स पे आप बैंक का डिस्काउंट लगा लीजिए ताकि और ज़्यादा पैसे जो हैं आपके सेव हो जाएं। कैसा आपको वीडियो लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपका मन है तो वहाँ पर जाकर आप हमें DM कर सकते हैं। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।